लेकिन हम देख रहे हैं हमारे एम्प्लॉज जो डेली वेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई के हैं, पीडीडी के हैं, या आप देखिए डिफरेंट कहीं रूरल डेवलपमेंट में लगाए गए, कोई इंफॉर्मेशन में लगाए गए हैं, इन सब को हरास किया जा रहा है, इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, इनको ये पता नहीं है कि इनकी नौकरियां परमानेंट है या नहीं है। मेरी सरकार से अपील होगी कि इस मसले को इमीडिएटली हल करें। ये देखिए इस पेंडेमिक में इनके घर कैसे चलेंगे, ये लोग आज भी ड्यूटियों पे आ रहे हैं और हम देख रहे हैं जब ये पीडीडी का लाइनमैन पोल पे चढ़ के शहीद हो जाता है, इसके घर वालों को उस दिन पता लगती है ये तो नौकरी ही नहीं लगा है, क्यों वो घर से सुबह निकलता है रात के 2 बजे वापस आता है, इसलिए कि वो हम सब लोगों की खिदमत करे, लेकिन जब उनके साथ हादसा होता है तो उनकी नौकरी भी नहीं है। तो गुजारिश यही होगी सरकार से, अपील की इस पर फैसला किया जाए। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे इंजीनियर्स, बदकिस्मती की बात है 10 साल बाद इस स्कीम को 12 साल बाद बंद किया गया बजुम शेख कलम, और जो ब्यूरोक्रेट्स ने ये डिसीजन लिया है शायद उनको भी ये मालूम नहीं है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। चलिए अगर उनसे गलती हुई है, देर इज़ नेवर टू लेट, दे शुड लुक एट इट एंड सी दैट दीज इंजीनियर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर बीइंग एम्प्लॉयर्स देन द एम्प्लॉयज, दे शुड बी अगेन given back the incentives which were offered to them as self-help groups. हमारे medical assistants की training लोगों ने की है, क्योंकि before we became a UT यहाँ हम medical assistants की training कराते थे, कोई 20,000 लोग हैं, इनको ना सर्टिफिकेटें मिल रही हैं और इनको कह रहे हैं आप you are not entitled for licenses. अपनी पार्टी ने ये फॉलो किया था, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी फॉलो किया, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ने भी रिकमेंडेशन दी है कि 31 अक्टूबर तक जो लोग जिन्होंने इसकी डिग्री ली है या पढ़ रहे थे उनको वन टाइम वेवर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तो ये था नहीं। मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ कि वो इसमें पर्सनल मुदाखलत करके इनको इमीडिएटली लाइसेंसेस दे दें, ताकि इन 20,000 घरों की रोज़गार का कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाए। एक जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट है फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए था, ये सही मानों में फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं तो काफ़ी सारा कुछ हम जो कहते हैं कि माइग्रेंटों को वापस ले जाएंगे, शायद उसमें घड़ी वाप पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही है। हमने पहले भी बोला है कि SRO 202 जब ख़त्म किया गया, इस पार्टी ने उसके लिए आगे पेश हम लोग रहे, सरकार को हमने शुक्रिया भी किया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको तंग किया जा रहा है, या जो बच्चे हमारे लद्दाख में हैं उनको वापस नहीं लाया जा रहा है, उनको जल्द से जल्द